सलाम सलाम हमारे बुनकरों को, सलाम हमारे बुनकरों को जो रंग बिरंगे धागों से हाथों के अपने हुनर से, हाथों की अपनी कला कौशल से बुन रहे भारत नया, बुन रहे भारत नया। हमारे बुनकर हमारा गर्व, आर वीवर्स आर प्राइड। जी हाँ बच्चों, हर साल 7 अगस्त को हम सब मिलकर नेशनल हैंडलूम डे यानी के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। हैंडलूम यानी हथकरघा, यानी के बिजली के बिना चलने वाली एक ऐसी मशीन या उपकरण जिसे हम अपने हाथों से चलाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े, शॉल, कालीन, दरिया और साड़ियां आदि तैयार करते हैं। बुनकरों के इसी हुनर से, इसी कला कौशल से हमें जूट के बैग, रेशमी साड़ियां, सूती व खादी के कपड़े और बांस की टोकरियां आदि मिलती हैं, जो देखने में बेहद सुंदर और इस्तेमाल में मजबूत और टिकाऊ होती हैं। बच्चों, इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे बुनकरों की खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए बच्चों, आज हम स्वयं भी बुनकर बनते हैं और कपड़ा बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि के लिए बच्चों हम कुछ ऊन, एक कार्डबोर्ड का गत्ता, कैंची, स्केल और पेंसिल लेंगे। कार्डबोर्ड के गत्ते से हम एक टुकड़ा निकाल लेंगे और उसके दोनों किनारों पर स्केल द्वारा 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद बच्चों कैंची से हम वहां कट लगा लेंगे और यही प्रक्रिया गत्ते के दूसरे कोने पर भी दोहराएंगे। इसके बाद बच्चों हम अपने मनपसंद रंग की ऊन को छांट लेंगे। किसी एक रंग को छांटने के बाद हम उस ऊन को जहां हमने गत्ते पर कट लगाए थे वहां लपेटना शुरू कर देंगे और तब तक लपेटेंगे जब तक कि हर कट में ऊन ना आ जाए। इसके बाद बच्चों हम उसे बांध देंगे। बांधने के पश्चात बच्चों दोबारा से हम किसी एक रंग की ऊन को छांट कर आइसक्रीम की स्टिक द्वारा बुनना शुरू करेंगे। बुनने की प्रक्रिया समझने के लिए बच्चों हम एक बार ऊन को ऊपर और एक बार नीचे लेकर जाएंगे। यही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे और हमारा बुनना शुरू हो जाएगा। कोने पर पहुंचने के बाद फिर से वापस इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे और देखते देखते हमारा बुनना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कि आपकी नीली ऊन में गुलाबी रंग की ऊन द्वारा बुनता हुआ आपका खुद का कपड़ा। बच्चों बुनकर यहाँ पर ऊन ना लेकर के धागों का इस्तेमाल करते हैं। वो रंग बिरंगे धागे लेते हैं और कपड़ा बुनते हैं। जब आपकी ऊन खत्म हो जाए तो बच्चों हम किसी दूसरे रंग की ऊन को वहाँ गांठ लगाकर बांध लेंगे और एक्स्ट्रा की ऊन को कैंची से काट देंगे। इसके बाद बच्चों फिर से हम बुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे और ऊन को एक बार ऊपर एक बार नीचे, ध्यानपूर्वक बच्चों एक बार ऊपर और एक बार नीचे लेकर जाते हुए हम अपना बुनना शुरू करेंगे। आप देखोगे कि गत्ते पर बुनना चालू हो रहा है। एक बार फिर से बच्चों मैंने यहाँ लाल रंग की ऊन ली है और बुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रकार धीरे धीरे बुनते बुनते हमारा पूरा कार्डबोर्ड पर ऊन जो है वो बुन जाएगी और बहुत ही सुंदर रंगों के साथ हमारा टुकड़ा तैयार हो जाएगा। जब हमारा टुकड़ा तैयार हो जाएगा तो हम उसे पीछे से कैंची से काट कर गत्ते से बाहर निकाल लेंगे। तो समझे बच्चों बुनकर किस प्रकार कपड़ा बुनते हैं। बच्चों कपड़ा बुनने के पश्चात अब हम कपड़े से चटाई बुनना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ पुरानी चुन्नियाँ चाहिए, कैंची और एक धागा और सुई। पुरानी चुन्नी को फोल्ड करके तह लगाकर हम उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। पतली पतली से मेरा कहने का अर्थ है लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़ी। और किन्हीं 3 रंगों के टुकड़ों को हम निकाल कर उनका एक साथ एक गांठ लगा लेंगे।
इस गांट को लगाने के पश्चात बच्चों, हम धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से लपेटेंगे। यह लपेटना बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। ठीक उसी प्रकार हम एक चुन्नी को दूसरी चुन्नी के ऊपर लपेटते हुए तीसरी चुन्नी को उनके बीच में लेंगे। यह प्रक्रिया बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हो। जब यह चुन्नी के टुकड़े पूरे हो जाएं, तो हम नीचे फिर से या तो इसी रंग के या फिर किसी अन्य रंग के टुकड़ों को गांठ लगाकर जोड़ देंगे। जोड़ने के पश्चात फिर से हम उसी प्रकार चुन्नियों के तीन भागों को लपेटना एक दूसरे से शुरू कर देंगे। बच्चों ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो में कि हम किस प्रकार चुन्नियों को लपेट रहे हैं। इस प्रकार लपेटते हुए बच्चों हम चुन्नियों को लगभग 10 फुट से 12 फुट तक की लंबाई बना लें। इसके पश्चात बच्चों हम इस चुन्नी के लिपटे हुए टुकड़ों को गोल गोल टेबल पर रखकर घुमाना शुरू करेंगे और अपनी मनपसंद शेप को बनाएंगे। मैंने गोलदार शेप बनाई है, आप चाहो तो कोई अन्य शेप भी बना सकते हो। इस प्रकार लपेटते हुए बच्चों हम एक से दो टाके भी सुई से इसमें लगाएंगे, ताकि हमारी ये शेप बनी रहे, हमारा आकार यही बना रहे। जैसा कि आप अभी वीडियो में भी देख पा रहे हो कि मैंने बड़ी सुई और धागे से यह टाके इसमें लगाए हैं। नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बच्चों आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ।